नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ भाजपा ने मुख्यमंत्री चेहरे के बिना विधानसभा चुनाव लड़ा। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा था, तो दूसरी ओर भाजपा मोदी और पार्टी के विजन पर क्या चुनाव लड़ रही थी। जिस तरह केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से पूछती है कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा, उसी तर्ज पर यह सवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से करती आ रही है। अनंता चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा या नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह के प्रारंभिक संकेत आ रहे हैं उससे तो बीजेपी को राज्य में सत्ता मिलती दिख रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में युवा भारतीय टीम रविवार को 5 मैचों की T20 सीरीज के अंतिम मैच में बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। टीम इंडिया इस सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है, लेकिन वह अंतिम मैच जीतकर इसका अंतर 4-1 से करना चाहेगी। अगर भारतीय टीम 4-1 से यह सीरीज जीत लेती है तो उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस प्रारूप में सबसे बड़ी अंतर से सीरीज में जीत होगी। दोनों टीमों के बीच पहली बार 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल इन दिनों अपनी फिल्म सैम बहादुर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। यह फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में विक्की ने एक बार फिर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। यह फिल्म देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। फिल्म देखकर लौट रहे दर्शक सैम बहादुर और विक्की की अदाकारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया के भगवान सचिन तेंदुलकर भी शनिवार रात विक्की कौशल की सैम बहादुर देखने पहुंचे। इसके बाद अब विक्की ने सचिन तेंदुलकर के साथ इस दौरान की एक तस्वीर साझा की है। राम मंदिर का अपना पावर स्टेशन 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 5 दिसंबर को राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन 33 KVA के सब स्टेशन को कनेक्शन भी मिल जाएगा, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 8 दिसंबर को मंदिर की बिजली व्यवस्था का ट्रायल शुरू कर देगा। शनिवार को पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने राम जन्मभूमि परिसर में बिजली के चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर उसकी प्रगति देखी है। दिल्ली NCR की प्रदूषित हवाओं से पशु पक्षियों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हुई है, वहीं सांस की बीमारी ने भी घेरा है। इससे इस वक्त भोजन की तलाश में ऊंचाई तक उड़ान भरना भी संभव है। नतीजन इनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। उधर अस्पतालों में प्रदूषण से बीमार होने वाले पशु पक्षियों की संख्या में इजाफा हुआ है। हर दिन 8 से 10 घायल पक्षियों को अस्पताल लाया जा रहा है। यही स्थिति वन जीवों की भी है, इसमें बंदरों की संख्या अधिक है। पशु पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण इनके वयस्क होने के स्तर पर प्रभाव डाल रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर घमासान जारी है। कौन सी पार्टी अगले 5 साल की सत्ता की बागडोर संभालने वाली है, इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण वैसे तो कई पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा में ही है। राजस्थान में अब सबकी नजरें चुनावों के परिणाम पर टिकी हुई है। बीजेपी ने सीएम चेहरे को अभी कंफ्यूज बना हुआ है। यूपी के मौसम में बदलाव जारी है। सुबह और शाम को ठंड पड़ती है तो दिन में धूप की वजह से गर्मी होती है। बादलों की आवाजाही भी अभी बनी हुई है। मौसम अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो सका। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भविष्यवाणी की है। भले ही शनिवार को दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम खुल गया हो और धूप निकल आई हो, पर सुबह और शाम होते ही कोहरा छा जाता है। मौसम में बढ़ती नमी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों के दौरान राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संस्कृति पर्यटन पर लघु फिल्मों के 6th अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया। IFFC के अध्यक्ष देवेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि 44 देशों से आए 95 फिल्में इस समारोह में दिखाई जाएंगी। ये समारोह विशेष रूप से पर्यटन और संस्कृति पर आधारित है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री मधुरिमा तुली ने भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारे देश में बड़े और संस्कृति पूरी दुनिया जाने, यही इस महोत्सव का संदेश है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन मंत्रालय का धन्यवाद करूंगी जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला है। बिजनौर जिले में युवाओं की बेहतरी के लिए संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में अब क्रिकेट के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच तैयार कराई जा रही। छितावर की काली मिट्टी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच तैयार होगी। इससे खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सुधार होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह ने बताया कि नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में वर्तमान में साधारण मिट्टी की पिच बनी हुई है। इस मिट्टी पर सिर्फ क्रिकेट ही सीखा जा सकता है, मगर बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाज बनने के लिए काली मिट्टी को बेहतर माना गया है।
हमीरपुर जिले में मुस्करा विकासखंड क्षेत्र के निवादा गांव में 2 दिसंबर से रामकथा शुरू हुई है। शनिवार को कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। कथा का शुभारंभ सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान से हुआ। श्री कोविंद ने कहा कि रामकथा में उपस्थित होना सम्मान और खुशी की बात है। इस दौरान देश के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध रामकथा शास्त्री विजय कौशल महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। श्री राम कथा आज से 1 सप्ताह तक चलेगी। रामकथा सुनने के लिए महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों सहित हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।